मायावती आकाश आनंद शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। जानिए शेड्यूल। जारी हुई स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बसपा अपना चुनाव प्रचार अभियान 6 अप्रैल से शुरू करेगी। पार्टी सुप्रीमो मायावती और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इसकी शुरुआत करेंगे। पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक तय कर लिए हैं, लेकिन इस बार आनंद कुमार को शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार मायावती 6 अप्रैल को नगीना में होने वाली रैली में शामिल हो सकती है। वहीं 11 अप्रैल को आगरा, 13 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की और 15 अप्रैल को पीलीभीत में उनकी रैली प्रस्तावित है। गौरतलब है कि चुनाव में बसपा के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी मायावती के साथ आकाश आनंद उठाएंगे। पार्टी के तमाम बड़े नेता बीते कुछ वर्षों में दूसरे दलों में जा चुके हैं। इसके बाद पार्टी के प्रचार अभियान का पूरा दरोमदार शीर्ष नेतृत्व के साथ जोनल कोऑर्डिनेटर पर टिका है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और विधायक उमाशंकर सिंह भी प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे। आकाश आनंद 6 अप्रैल को नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज में रैली करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 7 अप्रैल को गाजियाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद 1 मई को उनकी कानपुर में रैली होगी। लोकसभा चुनाव में मायावती और आकाश आनंद यूपी में 25 रैलियां करेंगे। इसके अलावा मायावती अन्य प्रदेशों में भी जमकर प्रचार करेंगे। पहले चरण के स्टार प्रचारक घोषित। पार्टी ने अपने पहले चरण के स्टार प्रचारक घोषित कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को दी गई स्टार प्रचारकों की सूची में मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल, मोनकाद अली, राजकुमार गौतम, शमसुद्दीन रायन, सूरज सिंह जाटव, सतपाल पीपला, नरेश गौतम, सुरेश आर्या, रवि सहगल, रणविजय सिंह, जाफर मलिक, विजय सिंह, पुष्पांकर पाल, सतपाल सिंह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। गाजियाबाद में बदला प्रत्याशी। बसपा ने गाजियाबाद में भी अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पहले अंशय कालरा को प्रत्याशी घोषित किया गया था। सोमवार को इसमें बदलाव करते हुए नंदे किशोर पुंडीर को प्रत्याशी बनाया गया है। गौरतलब है कि बसपा ने मथुरा में भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। वहीं बहराइच से इंद्र प्रसाद को जल्द प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। नगीना बनी हॉट सीट। बसपा के लिए नगीना हॉट सीट बनती जा रही है। अपने मौजूदा सांसद गिरीश चंद्र की जगह सुरेश पाल सिंह को मैदान में उतारने की बसपा की रणनीति पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी दावेदारी पेश कर मुश्किल खड़ी करती है। बसपा ने नगीना से अपने वर्तमान सांसद गिरीश चंद्र को बुलंदशहर से लड़ाने का फैसला लिया है। उधर नगीना सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व एडीजे मनोज कुमार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने अपने वर्तमान विधायक ओम कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह को पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पोरकाजी से टिकट दिया था, लेकिन वह हार गए थे।